हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द ए के शो आपकी चाहिए थी ए के एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे दोस्तों पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने बिलीव्स यानी धारणा के बारे में बात की है धारणाएं ये कैसे हमारी ज़िंदगी को चलाती है तो अगर आपके अंतर मन में बसी ये धारणाएं अगर पॉजिटिव है सकारात्मक है तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन अगर ये नेगेटिव बिलीव्स है नकारात्मक धारणाएं हैं तो इस नेगेटिव बिलीव से हम बाहर कैसे निकले इसके लिए मैंने काफ़ी सारी टिप्स और एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर की है मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास पर बात की है मैंने सेल्फ़ रिलायंस आत्मनिर्भरता पर बात की है ये सारी वीडियोस आपको मेरी चैनल में मिल जाएगी दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने जिस विषय पे बात की थी जिस धारणा पर बात की थी वो है मैं अच्छा नहीं हूँ या मुझ में कोई कमी है मतलब आई एम नॉट गुड इनफ दोस्तों आप सब जानते हैं कि हम में से कई लोगों में ये धारणा पाई जाती है ये उन लोगों में पाई जाती है दोस्तों जिन्होंने अब तक या तो अपना आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम या तो पहचाना नहीं है या तो अपना आत्मसम्मान इन्होंने बनाया नहीं है जिनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो है तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने आत्म सम्मान को कैसे पहचानें और इसे कैसे बनाएं। और कुछ टिप्स और एक्सरसाइजेज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखेगा दोस्तों और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों तो आप सम्मान बनाने का पहला चरण यानी पहला स्टेप है कि आपको आगा होना है यू हैव टू बी अवेयर दोस्तों अगर आपको कुछ अपनी जिंदगी में बदलना है तो आपको ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपको क्या बदलना है सिर्फ आप अगर ये जान लो कि आप अपने आप से एक नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो या आप अपने आप से एक नकारात्मक बात कर रहे हो तो आप तुरंत अपने आप को उन भावनाओं से दूर करने लगते हो जो इन बातों को आपके मन में लाती है तो आप इन नेगेटिव सेल्फ टॉक इन नकारात्मक बातें जो आप खुद से करते हैं उससे दूर होने लगते हैं लेकिन अगर आप खुद जागरूक नहीं है कि आप अपने आप से ये नकारात्मक बातें कर रहे हैं यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर सेल्फ नेगेटिव थॉक्स तो आप इसके जाल में फंस जाओगे ये नकारात्मक बातें आपको सीमित रखेगी आगे बढ़ने नहीं देगी तो सबसे पहले आपको जितनी नेगेटिव टॉक्स आप अपने आप से करते हो उसको पहचानना है हर बात जो आप सोचते हो उस पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थॉट्स आर थॉट्स, विचार सिर्फ विचार है मतलब जब भी आपको ये पता चलता है या आपको ये लगे कि आप अपने आप से एक नेगेटिव बात कर रहे हैं आप सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपनी ही आलोचना कर रहे हैं तब सिर्फ इतना ध्यान दें कि ये क्या हो रहा है इसके बारे में उत्सुक रहिए यू हैव टू बी क्यूरियस अबाउट दिस सेल्फ टॉक्स और अपने आप को ये याद दिलाइए रिमाइंड योर सेल्फ कि ये सिर्फ एक सोच है विचार है ये सच नहीं है इट इज़ जस्ट अ थॉट इट्स नॉट अ फैक्ट दूसरा चरण है सेकेंड स्टेप कि आप पॉजिटिव एफर्मेशन यानी सकारात्मक पुष्टियों का इस्तेमाल करें और आप अपनी कहानी को बदलें हम सभी के पास एक कथा या एक कहानी है जो हमने अपने बारे में बनाई है जो हमारी आत्म धारणा को आकार देती है ये मतलब हमारे सेल्फ परसेप्शन को शेप करती है और इसी पर हमारी सेल्फ इमेज बेस्ड होती है हमारी आत्म छवि आधारित होती है तो अगर हमें अपनी इस कहानी को बदलना है तो हमें ये समझना होगा कि ये कहानी आई कहाँ से है जो मैसेज हम खुद को दे रहे हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं ये किसकी आवाज़ है जिसको हम आंतरिक रूप दे रहे हैं कभी कभी जो नेगेटिव थॉट्स हम अपने आप से कहते हैं जैसे कि मैं बहुत मोटा हूँ या मैं बहुत आलसी हूँ तो हम इतनी बार इस थॉट्स को इस विचार को अपने मन में दोहराते रहते हैं कि कुछ वक्त बाद हम हमें पूरा यकीन हो जाता है कि यही सच है और यही हमारी कहानी है इसका मतलब साफ है कि अगर ये विचार हम अपने मन को सिखा सकते हैं तो इन विचारों को हम बदल भी सकते हैं तो आप पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें मतलब जो आप अपने बारे में मानते हैं या मानना चाहते हैं उससे दोहराना शुरू करें अपने बारे में ये नई कहानी आप रोज़ाना कहते रहे उदाहरण के तौर पर मैं बहुत मोटा हूँ कि बजाय आप खुद से कह सकते हैं मैं पतला हूँ या फिर मैं आलसी हूँ कि बजाय आप कह सकते हैं मैं बहुत ही मेहनती हूँ वैसे तो ये पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत ही पावरफुल होते हैं दोस्तों लेकिन इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है वो ये कि जब कोई नकारात्मक धारणा आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली बैठी होती है तो उसके ऊपर आप कितने भी ज़ोरों से एफॉर्मेशन्स पॉजिटिव बोल लो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और आपका माइंड कंफ्यूजन में चला जाता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके मन में ये धारणा है कि मैं मोटा हूँ और उस पर अगर आप ये एफर्मेशन बोलते हैं कि मैं पतला हूँ मैं पतला हूँ तो आपका जो माइंड है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें वो धारणा बहुत स्ट्रांगली बैठी हुई है तो वो कन्फ्यूजन में आपका मन कन्फ्यूजन में जा सकता है और कभी कभार वो डिप्रेशन में भी जा सकता है कहने का मेरा तात्पर्य ये, ये है कि आपको जो एफमेशन आप बनाते हो वो उस तरह से बनाने हैं कि आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करे। अब जैसे कि समझो आपकी धारणा है मैं मोटा हूँ तो आपको एफर्मेशन ये नहीं बनाना है कि मैं पतला हूँ आपको एफर्मेशन कुछ ऐसा बनाना है जैसे कि मैं एक्सरसाइज़ करूँगा या वर्कआउट करूँगा जब तक मैं पतला नहीं होता या फिर मैं पतला हो रहा हूँ इससे क्या होता है ये आपका माइंड ये ऐसे एफर्मेशंस को एक्सेप्ट करने लगता है और जब वो धीरे धीरे तैयार होता है जब आप देखते हो आप वर्कआउट करते हो और, और आप पतले होने लगते हो फिर एक वक्त के बाद जब आप ये कहते हो कि मैं पतला हूँ मैं पतला हूँ मैं पतला हूँ तब वो आपका माइंड एक्सेप्ट करने लगता है मतलब जो धारणा आपके मन में इतने समय से बैठी हुई है उसको एक झटके में निकालना मुमकिन नहीं है दोस्तों आपको पेशेंटली काम करना है आपको धैर्य रखकर उस पर काम करना होता है तीसरा स्टेप है सेल्फ एस्टीम बनाने का कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें इसमें आप दो चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो एक तो कि आप अपने आप को जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट करें वैसे स्वीकार करें और दूसरा आप अपने आप को कभी भी किसी और के साथ कंपेयर ना करें या किसी और के जैसा बनने की कोशिश ना करें ऐसा है कि सोशल मीडिया पर या आपके आसपास में भी अगर कोई आपको खुश दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में खुश है हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई अप्स एंड डाउनस कोई ना कोई चैलेंजेस होते ही है तो कुछ लोग दिखाते हैं कुछ नहीं दिखाते हैं जैसे मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा है कि सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने के लिए एक इंसान स्माइल करता है ऑब्वियसली दुखी चेहरा लेकर तो वो अपना सेल्फी लेगा नहीं और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करेगा नहीं इसलिए वो स्माइल कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश है और आप उससे जलने लगो और सोचने लगो कि वो इतना खुश क्यों मैं इतना दुखी क्यों अपने आप को किसी भी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है आप खुद में ही बहुत अलग हो यूनिक हो इसको समझे इसको एक्सेप्ट करना सीखें दोस्तों दूसरों से कंपैरिजन करने के कारण आप नेगेटिव सेल्फ टॉक में चले जाओगे मतलब आप खुद से नेगेटिव बात करने लगोगे आप अपने बारे में नेगेटिव बात करने लगोगे इसके कारण आप एंजाइटी और स्ट्रेस में जा सकते हो मतलब चिंता और तनाव में आप जा सकते हो और अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती मतलब अगर आपका माइंड नेगेटिव होता है तो इसका असर आपकी जिंदगी के और भी पहलू पर दिखाई देता है जैसे कि आपका काम हो गया आपके रिलेशनशिप हो गए फिज़िकल हेल्थ हुई इसका असर आपकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ सकता है तो कोशिश करें कि आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर ना करें समय का अभाव है दोस्तों तो मैं कोशिश करूंगी कि सेल्फ़ एस्टीम बनाने के जो और भी स्टेप्स है मैं अपने अगले वीडियो में आपसे शेयर करूं अभी के लिए मैं आपसे एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ अगर आप इसे करते हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम बनने लगेगी एक्सरसाइज़ कुछ इस तरह है कि आप एक पेन और पेपर ले और अपने अंदर की वो पाँच खूबियों को ढूंढे पहचाने और उसे लिखे ये आपको करना है सुबह एक बार और रात को सोने से पहले एक बार या तो आप एक पर्सनल डायरी ले ले या तो आप कोई भी एक रफ पेपर लेकर यह एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपको हर दिन नई नई ख़ूबियाँ अपने आप में नहीं मिलती तो कोई बात नहीं आप उसे रिपीट भी कर सकते हो इस एक्सरसाइज़ को अगर आप कुछ हफ्तों के लिए करते हो लगातार बिना रुके तो आप देखोगे कि आपकी नज़र खुद पर जाने लगती है अपनी अच्छाइयों पर जाने लगती है और आप अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने लगते हो पॉजिटिव खुद के बारे में बात करने लगते हो ये होगा ऑटोमेटिकली होगा सिर्फ ये एक्सरसाइज करने से होगा इसके अलावा दो मेडिटेशंस मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ अगर आप इसे भी करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा और आप मेरी ये एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करते हैं तो रिजल्ट्स कैसे हैं ये भी मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों इससे मुझे पता चलेगा कि ये एक्सरसाइज कैसे काम कर रही है कितने लोगों को हेल्प कर रही है और मैं ऐसी बेहतरीन एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर सकूँ अपने अंदर किसी भी तरह का बदलाव लाने के लिए मतलब अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए या अपना आत्मसम्मान बनाने के लिए या फिर आत्मनिर्भर होने के लिए किसी भी तरह की क्वालिटीज़ अगर आप अपने आप में बनाना या बढ़ाना चाहते हो इसके लिए हमारी ये अद्भुत किताब अमेजिंग आर्क एंजल्स भी आपके लिए बहुत ही सहयोगी होगी ये एक वर्कबुक है इसको आपको सिर्फ लिखना है दैट इज़ इट और आप देखोगे कि आपके अंदर बदलाव अपने आप आने लगेगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जिन लोगों ने मेरे पिछले बिलीव्स वीडियो को इतना सराहा है मुझे इतने ईमेल्स किए हैं उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ तो आशा करती हूँ दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें अपने चाहने वालों अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे लिए अपने इस प्रेम और सहयोग को इसी तरह बनाए रखें ताकि इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँ और आपकी ज़िंदगी को और भी बेहतर और आसान बना सकूँ तो आज के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ फिर मिलेंगे धन्यवाद दोस्तों हैप्पी प्रणाम